माघारी परत तो यावेळी संघता जसे क्रमांक 16 अम्मी असेल यावेळी जय महाराष्ट्र सावतर संघाच्या माध्यमातून पहिला गुण यावेळी पाहायला मिळतोय। शिपणे दुसरं वजन दिशेने कशा प्रकारचं खेळतोय माणगाव संघाच्या माध्यमातून शिपणे पहाव लागेल। यावेळी पुन्हा एकदा चेन मध्ये बदल जातोय चिपणे सुरेख खेळाडू चिपणे माघारी एमटी रेडची संघता पाहायला मिळेल। पुन्हा एकदा जसे क्रमांक 1 ह्यावेळी चढाई ज्या खेळाडू एमटी केली तोच चिपणे ऍडव्हान्स टॅकल करण्याची चोक चिपणे पाहायला मिळेल। चिपणे एमटी रेडची होते संघता जसे क्रमांक 20 चिपणे पाहायला मिळेल। चिपणे यावेळी कर्णज खेळ चिपणे हँडच केला जातोय धावा केला जातो यावेळीच चिपणे यावेळी पाहायला मिळतोय तो एकेरी गुण टू ऑल डायरेक्ट चिपणे पाहायला मिळते। पॉइंट घ्यावा लागेल नाहीतर बेंच वर जावं लागेल रेड असेल यावेळीच रेड वरती धाव लागेल कसा मोक्याचा खेळतो चिपणे 30 सेकंदाच्या रेड मध्ये रेडर आपल्या संघासाठी पॉइंट घेतो चिपणे पाहावं लागेल या मॅच मध्ये बोनस गुणाची कमी चिपणे कमाई सुरेख बोनस गुण या ठिकाणी टिपला गेला रनिंग बोनस चिपणे म्हणावं लागेल पाहायला मिळतोय प्रतिम बोनस गुण टिपून मात्र माघारी परत यावेळी रेडर चिपणे चिपणे धुणा जातो यावेळी रेडरचा 5 डिफेन्स असेल यावेळीच पुन्हा जसे क्रमांक 1 ज्या रेडरने मागच्या एड मध्ये एकेरी गुण पाहिला पास केला तोच जसे क्रमांक 1 यावेळीच पाहायला मिळतोय चिपणे यावेळीच सक्सेसफुल टॅकल पाहायला मिळतोय चेन मध्ये जेरबंद केले जातोय रेडरला चिपणे पुन्हा एकदा पॉइंट मिळेल तो जय महाराष्ट्र सावंतवाडी संघाला या मॅच मध्ये जसे क्रमांक 15 भार्गव असेल यावेळीच हेड मोर्चावरती 10 डिफेन्स असेल चिपणे माघारी परत रेडर टॅकल करण्याचा प्रयत्न 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 त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा जसे क्रमांक 20 चिपणे पाहायला मिळेल ज्या रेडरने या आधीच्या हेडमध्ये चिपणे एकेरी गुण पाहायला मिळाला तोच जसे क्रमांक 20 असेल यावेळीच टू ऑल टायरेड चिपणे पाहिलं मिळेल या मॅच मध्ये चिपणे 7 डिफेन्स मध्ये कशा प्रकारचा खेळ होतो यावेळीच रेडर यावेच माघारी परत चिपणे एमटी रेडची सांगता करून चिपणे रेडर यावेच माघारी पाहायला मिळतोय जसे क्रमांक 1 असेल यावेच 5 डिफेन्स असेल का खोलवर जाईल रेडर पाहावं लागेल या मॅच मध्ये चिपणे सुरेख टर्न म्हणावं लागेल सुरेख एस्केप चिपणे यावेळीच रेडर यावेळीच मला चिपणे हा बी पाहायला मिळतो डिफेंडर वरती मागच्या रेड मध्ये मॅचच्या चढाईमध्ये चिपणे टॅकल केलं होतं परंतु या रेड मध्ये सुरेख एस्केप म्हणावा लागेल जसे क्रमांक 1 च्या माध्यमातून थर्ड रेड टू ऑल टायरेड चिपणे पाहायला मिळेल पॉइंट घ्यावा लागेल नाहीतर बेंच वर धावं लागेल बोनसाठी प्रयत्न चिपणे पाहायला मिळतोय पंचांच्या निर्णयाकडे असेल लक्ष कारण बोनस गुण यावेळी टिपला गेला चिपणे पाहावं लागेल चिपणे टॅकल सक्सेसफुल पाहायला मिळेल 6-7 अशी गुणसंख्या चिपणे पाहायला मिळेल फक्त एका गुणाची आघाडी पाहायला मिळते ती म्हणजे जय महाराष्ट्र सावंतवाडी संघाकडे चिपणे दुसऱ्या बाजूने कम बॅक केला जातोय म्हणजे दक्षिण माणगाव संघाने Thank you.
शिपणे या बीच हायडल सेफ हा पहिला मिळतो आणि शिपणे डिफेंडरच पाय मिड लाईन क्रॉस केलं त्या शिपणे कॅच मिळतो हेडरला सेफ या वेळेस दिलं गेलं आणि शिपणे पहिला मिळतोय तो एकेरी गुण सुशील माणगाव संघाला जे क्रमांक 16 अमे असेल या बीच या बीच टॅकल सक्सेसफुल पहिला मिळतोय अप्रतिम शिपुण्याचे क्रमांक 15 भार्गव पाहायला मिळतो यावेळेस कोट्रे डू ऑल डायरेक्ट शिपुणे पाहायला मिळेल पॉइंट घ्यावा लागेल जसे क्रमांक 1 असेल यावेळेस वरच्यावरतीच्या खेळाडूने अप्रतिम कामगिरी या मॅच मध्ये आतापर्यंत केली तोच जसे क्रमांक 1 असेल यावेळेस हेड वरच्यावरती पाहायला मिळतोय क्रमांक 15 भार्गव असेल या बीच पाचचा डिफेन्स असेल बोनस पॉइंट देखील ऑफ असेल पाहावं लागेल का खोलवर जाईल का हँडटच करेल का डोटच करेल याची पण पाहावं लागेल या मॅच मध्ये या रेड मध्ये जेथे क्रमांक 15 भार्गव असेल दरम्यानच्या काळात या दरम्यान सन्माननीय निलेश आळवे यांच्या ठिकाणी आपल्याला विनंती असेल निलेश आळवे आपण कृपया आपण मान्यवर कसे देऊन सारा बनवायचंय जसे क्रमांक 20 असेल या 20 वरती पाहावं लागेल जसे क्रमांक 20 च्या माध्यमातून गुणसंख्या तब्बल पाहायला मिळेल 11-10 स्कोरिंग रँजम त्यानंतर मात्र त्यापेक्षा 11-11 बरोबर चाललेला सामना शिपणे पाहायला मिळतोय शिपणे दोन्ही संघ तुल्य दोन्ही संघाच्या माध्यमातून वारंवार कम बॅक केला जातोय शिपणे सुरेख खेळ आतापर्यंत हाताळला जातोय तीन तडपे सुपर टॅकलची संधी असेल यावेळेस कॉर्नर खेळाडू शिपणे टोटच केला जातोय यावेळेस माघारी परत हेडर माघारी परत पुन्हा एकदा एकेरी गुण हा पाहायला मिळेल बोनस गुण गोल शिपणे माघारी परत शिपणे बोनस गुण पाहायला मिळेल आता मात्र असेल 2 संख्य जसे क्रमांक 15 असेल या 20 हेड मोर्चावरती 12-12 असा गुण फलक फायदा पाहायला मिळतोय निर्भर रहते है बोनस का प्रयास तो जरूर किया है रेफरी का इशारा आना अभी भी बाकी है दो मर्तबा ऐसे टैकल हो गए फिर भी इस मर्तबा रिश्ते देखकर कर बात जरूर बनेगी
सुपर रेल इस वर्तमान की से देखने वाली बात बनेगी। वापसी करती हुई इस मर्तबा एक श्री मानगांव की टीम अमय देसाई रेड की जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेकर इस रूप से मैदान के भीतर देखने को मिल रहे हैं। 18 बनाम 16 का मुकाबला मैदान के भीतर जारी है। इस रूप से देखने वाली बात बनेगी क्या अमय है इस मर्तबा। निश्चित रूप से क्या बरसूट का प्रयास सफल रहा है इसी रूप से नहीं इस मर्तबा जैसे क्रमांक दो के खिलाड़ी को टैकल करते हुए और इस शॉट रेड है टू ऑल टायरेड है पॉइंट लेना पड़ेगा नहीं तो बेंच को ऊपर जाना पड़ेगा। अमय देसाई रेड की जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेकर इस रूप से मैदान के भीतर देखने को मिल रहे क्या अमय देसाई की टैकल होगी इस रेड में इस रूप से देखने वाली बात बनेगी। इस मर्तबा जी हाँ अभी भी रेस जारी है पर टैकल हो गए इस मर्तबा अमय देसाई इस रूप से जाएगी बेंच के ऊपर। स्कोर बोर्ड देखा जाए तो 18 बनाम 18 लेवल स्कोर बराबरी के ऊपर दिखाई देता निश्चित रूप से दोनों ही टीमें बढ़िया प्रदर्शन इस मर्तबा इस मुकाबले में करती हुई। अभी दो का डिफेंस है इस रूप से अगर हेडर को जकड़ा गया टैकल कर दिया गया निश्चित रूप से दो पॉइंट मिलेगा इस रूप से देखने वाली बात बनेगी क्या टैकल करने में सफल रहते इस मर्तबा इस मुकाबले में। दो का डिफेंस है बेहतरीन एस्केप दिखाई था टू और प्लस टू यानी कि फोर पॉइंट दिखाई हुए और स्कोर बोर्ड देखा जाए तो 22 बनाम 18 का स्कोर 22 पॉइंट के ऊपर दिखाई दे हुए इस मर्तबा ऋषि मानगांव की टीम तो बात जरूर बनेगी कौन सी टीम है इस मुकाबले में जीत दर्ज दर्ज करते हैं इस रूप से देखने वाली बात जरूर बनेगी। 20 बनाम 22 का मुकाबला है इस रूप से हाई वोल्टेज मुकाबला रहेगा ये इसी का मंत्र मंदारा का खिलाड़ी बाहर गया दिखाई देगा। इस मर्तबा कॉर्नर के लड़के वो रूप से हैंड टच किया इस रूप से इस मर्तबा एक पॉइंट के साथ अपने खेमे लौटे इस रूप से स्कोर बोर्ड देखा जाए तो 21 बनाम 22 का मुकाबला में भी एक पॉइंट की लीड बरकरार है इसी भानगांव टीम की ओर से इस रूप से एक पॉइंट के साथ पिछड़ रही है जय महेश सावंतवाड़ की टीम। दिखने बात जरूर बनेगी क्या इस मर्तबा टैकल करने में जी हाँ बेहतरीन टैकल जय महेश सावंतवाड़ टीम का इस मैच में तीसरा सक्सेसफुल टैकल जिसका नाम था 8 क्या दिखाई था इस मैच में क्या बेहतरीन टैकल इस मर्तबा रूप से स्कोर बराबरी के ऊपर अधिकारित हुआ। पॉइंट टेबल की बात की जाए तो 22 बनाम 22 का मुकाबला है निश्चित रूप से हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर रहेगा। ये कौन सी डिग्री है कि ये देखिए भाई कॉर्नर के लड़के पर निश्चित रूप से हैंड टच किया निश्चित रूप से इस मर्तबा अपने खेमे में पॉइंट के साथ लौटे। पिछले दो मिनट की बात की जाए तो जय मराठा सावंतवाड़ी टीम बेहतरीन खेल दिखाई देती हुई चाहे रेड हो चाहे डिफेंस हो ये देखिए भाई बेहतरीन टैकल है फिर से एक बार दिखाई देता हुआ निश्चित रूप से इस दो मिनट के अंदर ही अंदर ऑल आउट करने में सफल रही यक्षिण मानगांव टीम को ऑल आउट किया सावंतवाड़ी टीम ने। निश्चित रूप से अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो इस पॉइंट टेबल की बात की जाए तो 27 बनाम 22 का मुकाबला है। बनाम 22 का मुकाबला है क्या इस मर्तबा निश्चित रूप से बेहतरीन खेल इस जरूर प्रयास 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 रहता हुई 5 का डिफेंस अंदर तक जाना पड़ेगा अगर पॉइंट लेना है तो हैंड टच करना पड़ेगा डोर टच करना पड़ेगा इससे देखने में बात बनेगी क्या रहती है स्ट्रेटर्जी क्या पॉइंट लेने में सफल रहती है क्या बेंच के ऊपर जाएंगे रेड इसी में देखने वाली बात बनेगी।
19 बनाम से एस का मुकाबला है। किसी का मानकर एक डिकायत हुआ, इसलिए उससे इस खिलाड़ी को आखिर के मिनट तक इस मैदान में रहना पड़ेगा। बोनस पॉइंट के बाद तक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है दोनों टीम ने, इसी उससे देखने वाली बात बनेगी इस आने वाले समय में। आने वाले कुछ मिनटों का खेल है, इस मुकाबले का शेष क्या इस मरतबा टैकल करने में सफल रहते हैं। जी हाँ, टैकल सक्सेसफुल इस मैच में, इस मरतबा चौथी बार टैकल कर दिया गया इस खिलाड़ी को। समाप्त किया और अभी इस मरतबा बढ़त बरकरार है साउथ वाली टीम के ऊपर। आखिर के 2 मिनट इस मुकाबले के शेष, आखिर के 120 सेकंड है मुकाबले के शेष। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतती है और सेमीफाइनल में प्रवेश करती है, जिससे देखने वाली बात जरूर बनेगी इस आखिर के 2 मिनट में। रेडर आउट, जिससे इस मरतबा रेडर का आउट निकलता हुआ राजर को पार्टी देते। 30-27 का मुकाबला अभी भी जारी है। इस मरतबा नहीं निकले, 1 पॉइंट निकला, अभी भी जान डाल दिया इस मैच में। मानगांव टीम देखा जाए तो 30-28 का मुकाबला है। क्या रहेगी स्ट्रेटजी दोनों टीम की ओर से, देखने वाली बात बनेगी इस मैच में। तेजस्वी मानगांव की टीम जो 2 पॉइंट के पीछे रही है, वो 2 पॉइंट के साथ इस मुकाबले में कैसी स्ट्रेटजी रहेगी इस आने वाले समय में, आने वाले कुछ मिनटों का समय इस मुकाबले का शेष। आखिर का 1 मिनट है, आखिर का 1 मिनट। बात की जाए तो 30-29 का मुकाबला है। निश्चित रूप से देखने वाली बात जरूर बनेगी क्या रहेगी स्ट्रेटजी। निश्चित रूप से देखने वाली बात जरूर बनेगी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस मुकाबले में। आखिर के कुछ सेकंड इस मुकाबले के शेष, हाई वोल्टेज हवा मैदान के भीतर देखने को मिल रहा है। इस तरह देखा जाए तो जैसे मानगांव की टीम, तो दूसरे देखा जाए तो जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ की टीम अधिकार देती हुई। इस मैच बेहतरीन डिफेंस भी जारी है और मुकाबला खत्म होता हुआ और इसका हाई वोल्टेज मुकाबला जीता है जो कि जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी टीम ने। ये बात भी है।